कपास की आपूर्ति बढ़ने से भारत में निर्यात का उत्कृष्ट अवसर। भारत इस वर्ष विश्व बाजार में कपास के 20 लाख गांठ और 115 लाख गांठ के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के उत्पादक के साथ प्रमुख निर्यातक की भूमिका निभाने में सक्षम है। अग्रणी संगठन कॉटन एसोसिएशन ने कहा कि सरकार को अगले बजट में कपड़ा क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह यान, वस्त्र और अन्य मूल वर्धित उत्पादों की कीमतों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। भारत किसानों से कपास खरीदने वालों को 5% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM भत्ते को समायोजित करने के बाद 2-3 महीने का बहुत लंबा समय मिलता है। 2020-21 के सीजन की शुरुआत 12 लाख गांठ वाले स्टॉक के साथ हुई थी। प्रतिवर्ष 20 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन में से आधे से अधिक राजस्व 30 दिसंबर तक 12 लाख गांठ हो गया है। हो सकता है विश्व बाजार में ICE वायदा 21/3 सेंट पर तय किया गया है, लेकिन स्थानीय कीमतें दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि कपास की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए जिनिंग प्रोसेसिंग मिलों की स्थापना और विस्तार के लिए 2012 में दी गई सब्सिडी को फिर से पेश किया जाना चाहिए। देश में 20 लाख गांठों के कुल उत्पादन में से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 200 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता रहा है। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को अन्य राज्यों में कपड़ा उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।